हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरन ब्यूटीज़म। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको सेल्फ स्टेप कटिंग करना बताने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। जो लोग घर पे खुद से हेयर कट करना चाहते हैं, जो पार्लर जाने का टाइम नहीं है, उनको स्टेप कटिंग करना करवानी है तो खुद से घर पे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पार्लर जैसा ही, जहाँ पे मैं कट करती हूँ हेयर कटिंग, लेयर कट, स्टेप कट, वैसे आप खुद से कर सकते हो। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि मैं जो अगली वीडियो छोड़ूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे बालों की लेंथ इतनी है, मीडियम लेंथ है, मुझे अभी इतने लेंथ कम करनी है। उसके अकॉर्डिंग मैं लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं हेयर कट करती हूँ, और स्टेप जितने चाहिए उतने कर सकते हो आप। मैं अभी चार स्टेप कर लूंगी, मुझे चार स्टेप चाहिए, तीन से चार स्टेप, बस उतने ही मुझे काफी है। देखिए, अभी मैं पहले एक बार 3 महीने के पीछे मैंने एक हेयर कट किया था, मैं खुद से किया था मेरे हेयर कट, अभी सब वेरिएशन हो गई है। तो अभी मैं देखिए, तो अभी मैं स्टेप कटिंग करना चाहती हूँ मेरे बालों में। तो देख लीजिए कैसे करती हूँ मैं, बस उसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। पहले बालों में चिकनी होनी चाहिए, अच्छी तरह कॉम कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर करके अच्छी तरह कॉम करके बालों को क्लियर कर लूंगी। यहाँ पे क्लियर होने के बाद में बालों में थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे करूंगी। स्प्रे करने से कटिंग अच्छी आती है। जब भी आप बाल धोते हैं तभी हेयर कट कर लीजिए, या तो हल्का सा स्प्रे कर लीजिए। निकालूंगी बराबर, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। देखिए ऐसे, जैसे कि पीछे भी देखिए। तो अभी मैं इस साइड अच्छी तरह कॉम करके पहला मैं लेंथ को निकालूंगी, जितने मेरे लेंथ चाहिए, जितना चाहिए आपको लेंथ का भी। ये जो है इसको छोड़ देंगे, ये ऐड नहीं करेंगे। अभी मैं यहाँ पे इतने लेंथ कट कर रही हूँ, देखिए टाइट से पकड़ के। अभी मैं यहाँ पे स्टेप कटिंग कर रही हूँ, तो शोल्डर के बराबर ले लूंगी। अगर लेयर चाहिए तो सामने लूंगी। अभी मुझे स्टेप चाहिए तो मैं देखिए इतने में लेंथ कट कर रही हूँ, देखिए। अभी ये हमारा पीछे डालने से यू कट हो जाएगा। अभी मैं इसी को इसी के अकॉर्डिंग में इस तरह भी हेयर कट करूंगी, देखिए। यहाँ से पीछे से इतने बार मैं उस तरफ बैठ लूंगी, ताकि उस तरफ भी बराबर के हेयर कट 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 जाए, तो इस तरह ऐड कर लूंगी। तो वो हमारा गाइडलाइन बनेगा। अभी मैं ठीक से इस तरफ पकड़ूंगी, देखिए। इसको भी मैं शोल्डर के बराबर लेके जाके जहां पे मैंने कट किया था वो हमारा गाइडलाइन बनेगा। ये देखिए, ये मेरा कट किया हुआ बाल है, यहाँ पे है, ये देखिए। तो उसी को मैं गाइडलाइन बना के कट करूंगी, ये देखिए दिख रहा है, मैंने स्ट्रेट कट किया। अब मैं दोनों को छोड़ दूंगी, ये देखिए दोनों बराबर आ गए, ये देखिए दोनों बराबर है। तो अभी मैं मेरा जो बेस है वो कट किया अभी मैंने। अब मैं यहाँ पे स्टेप के लिए सेक्शन बनाऊंगी, जितने स्टेप चाहिए। स्टेप में यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा आईब्रो का जो आर्च होता है वहां से एक स्टेप मैं यहाँ पे क्राउन एरिया में लूंगी। इसको ये देखिए मैंने राउंड से लिया है, इस साइड भी और इस साइड भी सी सेक्शन निकालने हैं। इसको मैं क्या करूंगी, एक पोनी टेल करूंगी। और मेरा यही एक स्टेप हो गया। अभी मैं इसी तरह देखिए, यहाँ से आईब्रो एंड से यहाँ पे कॉर्नर एरिया से, तो और एक स्टेप लूंगी मैं, उसी को भी सीधा ऊपर लेके जानी है ऐसे। तो इसको भी सी सेक्शन नहीं रखनी है, देखिए इसको मैंने ये पॉनी टेल करूंगी, इसका भी एक पॉनी टेल डालूंगी। अभी मैं जो थर्ड स्टेप है वो वाला थर्ड स्टेप, तो उसको मैं क्या करूंगी, ईयर टू ईयर लेंथ लूंगी मैं यहाँ से, देखिए ये कान पे, कान के शुरुआत से यहाँ से लूंगी मैं, और यहाँ पे भी इस कान से इस साइड पे लूंगी मैं यहाँ पे। तो पूरा पीछे सेंटर में जाके सेक्शन लूंगी इसका भी, देखिए। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक पोनी टेल बनाऊंगी,
एक स्टेप चाहिए मेरे को, फोर्थ स्टेप। अभी मैं यहाँ पे ईयर के सेंटर से, यहाँ पे पीछे से सेंटर से यहाँ पे लूंगी, यहाँ इसका भी मैं पोनीटेल बनाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 4 और ये वाला हमारा बेस है जो हमने यू कट किया था, ये हमारा पहला स्टेप बनेगा। अभी मैं ये सारे अभी कट करते जाऊंगी। ये देखिए अभी मैं सबसे पहले नीचे वाला लूंगी, ये देखिए ये वाला लूंगी। अब इसको अच्छी तरह कॉम कर लूंगी, कॉम करके मुझे 1 इंच के बराबर काटनी है, बस इतना काटनी है 1 इंच के बराबर। स्टेप में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बस 1 इंच के बराबर काटनी है और हल्का सा इसमें पिंच करनी है ताकि बालों में बाउंस आ जाए। तो ये वाला मैं अभी ये जो पहला है इसको मैं निकाल के छोड़ दूंगी। अभी मैं दूसरा लूंगी, इसको भी सामने की ओर अच्छी तरह कॉम करूंगी। अभी हम पहला वाला 1 इंच पे काटा था, अभी मैं 1.5 इंच पे काटूंगी, उससे थोड़ा ज्यादा। देखिए इससे थोड़ा ज्यादा काटा, अभी मैं इसको भी पिंच कर दूंगी। इसका भी मैं पोनीटेल निकाल दूंगी, इसको भी पीछे छोड़ दूंगी और ये वाला दूसरा वाला लूंगी, इसको भी अच्छी तरह कॉम करूंगी। यहाँ पे सेंटर पे होनी चाहिए, इसको भी लेके मैं अभी देखिए अब मैं इसमें गाइडलाइन चाहिए जो मैंने पीछे कट करके छोड़ा था उसको पूरा इसके साथ में लेके आऊंगी। देखिए कितना अच्छा स्टेप आया है। अभी मैं इसको ब्लो ड्राई करूंगी, ब्लो ड्राई करने के बाद आपको इसका रिजल्ट फिनिशिंग बहुत अच्छा। गाइस ये देखिए कितना अच्छा स्टेप कट आया है मेरा, ये देखिए बस थोड़ा सा लेंथ किया निकाला है मैंने, 4 से 5 स्टेप आ गया है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा आया है। एक जगह डाल के देखती हूँ, कितने अच्छे स्टेप्स आए हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल बटन को जरूर क्लिक करो, पूरा वीडियो जरूर देखो।